और ये सीधी तस्वीर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामांकन करते हुए यहाँ पर, और कई आज आपको बड़े चेहरे नजर आएंगे नामांकन का पर्चा भरते हुए। इस वक्त ये तस्वीरें हेमंत सोरेन की जहाँ पर वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी थी। नामांकन की प्रक्रिया जिस दौरान 5 लोगों की उपस्थिति कमरे में अनिवार्य होती है और वहां इस वक्त की तस्वीरें, तो चुनावी रण में तमाम पार्टियों की तरफ से भी पूरी ताकत छोकी जा रही है और नामांकन करने के लिए हेमंत सोरेन यहां इस वक्त इस कक्ष में निर्वाचन पदाधिकारी के मौजूद। तो बरहेट से मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में ताल करते हुए आपको नजर आएंगे और आज बिल्कुल नामांकन का ये भेगाटी है। जैसे चर्चा भी हम लगातार कर रहे थे कि आज कई बड़े चेहरे, झारखंड के कद्दावर चेहरे आपको दिखेंगे जो नामांकन का पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ये तस्वीर विधानसभा के स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा चुनावी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। उज्जैन में प्रत्याशी के तौर पर हेमंत सोरेन ने बरहेट से अपना नामांकन का पर्चा जो है वो भर दिया है और आपको ये तस्वीर इस वक्त सीधी दिख रही होगी जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ 5 लोगों की मौजूदगी जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। और बरहेट अपने आप में VIP सीट हो जाती है जहाँ से ताल ठोकते हुए हेमंत सोरेन आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ नामांकन के इस मेगा डे पर कई ऐसे चेहरे आपको देखेंगे जो आज नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं और इसे लेकर कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तैयारी के साथ नजर आ रहे थे। सभी का ये कहना है, सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं कि चाहे नामांकन का पर्चा कोई भी भर ले, हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। हालांकि जनता का आदेश क्या है इसके लिए आपको 23 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। 23 नवंबर जब जनता जनार्दन के आदेश सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी तैयारी अपने अपने तरीके से युद्ध स्तर पर सभी पार्टियों की तरफ से की जाती हुई, लेकिन शीघ्र ही नामांकन के साथ ही और आज साहिबगंज में जैसे निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में इस वक्त हेमंत सोरेन की मौजूदगी है। बरहेट से उन्होंने अपना नामांकन जो है कर दिया है और इसीलिए जिस प्रतीक को पढ़ते हुए खुद हेमंत सोरेन नजर आ रहे थे, संविधान क्या कहता है उसकी चर्चा की जा रही थी।